बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आप साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, एक कल से वायरल है जी ये। मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूं। कुछ भाइयों को मैंने देखा है इसके नीचे कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, वो पाकिस्तानी इसे क्यों बोल रखे हैं? जब मैंने इस न्यूज़ की डिटेल में गया हूँ, फिर मैंने मुकम्मल डिटेल पढ़ी है आपको, शायद मैं अभी वो वीडियो चलानी शुरू भी कर चुका हूँ दिखानी। तो भाई वाकया कुछ यूँ हुआ है कि हायल शहर की ये वीडियो है, हायल शहर के एक मॉल की। वहाँ से एक बंदा भाग रहा है बाहर की तरफ, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है जी गेट के ऊपर, वो एक चेयर उठाता है, इस बंदे को आगे से मारता है और पीछे से जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे लगा हुआ था, ये दोनों इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मारते भी हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर साफ जहर दिखाया गया है। इस बंदे को मारते भी हैं, इसको गिरा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अच्छा, जो बंदे तो ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी लग रहा है, इस न्यूज़ में कहीं भी मैंने ये नहीं पढ़ा था कि ये बंदा पाकिस्तानी है। हाँ, जो इसका हुलिया बता रखा है, यानी कि जो इसने लिबास पहना हुआ है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी लिबास है। इस चीज़ को देखते हुए माना जा सकता है कि ये बंदा पाकिस्तानी था। वहाँ पर लिखा कहीं भी नहीं हुआ था ये बंदा पाकिस्तानी है। अच्छा, इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मसला क्या निकला है? मसला ये निकला है कि जो मॉल के अंदर कुछ लड़कियां वगैरह घूम रही थी सऊदी, उनमें से किसी एक को या दो को इस बंदे ने इशारे वगैरह किए हैं, उसके बाद उनके पीछे रखा है, उसके बाद उनसे मोबाइल नंबर मांगा है। जब मोबाइल नंबर मांगा है, फिर उन्होंने शिकायत लगाई है इसकी, फिर ये भागा है, तो इसे गेट के ऊपर पकड़ लिया गया है। अच्छा, इस बंदे को तो भाई अभी जेल और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ताहियात के लिए बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड ने इसको आगे से चेयर मारी है और उसके बाद इसको पकड़ा भी है, इसको मारा भी है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है कि आपने ये गलत किया है ऐसे। लेकिन ये एक बात की जा रही है, अभी इसके मुतल्लिक उसको नौकरी से फ़ार किया जाता है या नहीं फ़ार किया जाता है, ये तो एक बात की बात है। लेकिन मेरे गैर मुल्की भाई, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई बंगाली भाई है, तो ऐसी कोई भी हरकत मत करें सऊदी अरेबिया में। मैं आपको हकीकत बात बता रखा हूँ, तो वरना आपको भाई ये शिकायत आपकी लगा देती है, आपको उठा लिया जाता है, आपकी अच्छी खासी छतरौल की जाती है, फिर आपको जेल में भी रखा जाता है।